हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व चैनल। आई एम प्रवीण बैसला है विद अ न्यू वीडियो ऑन गलवान वैली कन्फ्लिक्ट जो कि भारत और चाइना के बीच में चल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिकोड करेंगे ये पूरा माजरा क्या है, और ये सेकंड वीडियो है डिकोड सीरीज़ का। पहला जो वीडियो बनाया गया है वो 20 लाख करोड़ रुपीज़ का जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज इंडिया ने अनाउंस किया है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जो कि एडवर्सली इफेक्ट हुई कोविड-19 के सिचुएशन की वजह से, उस पर बनाया गया है। आप हमारे चैनल पर जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो गलवान वैली है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, फिर इसकी हिस्ट्री क्या है, और जो रीसेंट मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो क्या है, और दोनों नेशन चाइना और इंडिया का क्या स्टैंड है इसको लेकर, और वाई चाइना सीम्स सो एग्रेसिव एंड असर्टिव रिसेंटली, चाहे वो हांगकांग का मामला हो, ताइवान का हो, या साउथ चाइना सी का हो, या इंडिया को क्यों चाइना अचानक से इतना एग्रेसिव दिखाई देता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन से गलवान वैली की। जो गलवान वैली आप देख सकते हैं, ये जो है ये आपका चाइना का पार्ट है, अक्साई चिन जो है, और ये आपका लेह लद्दाख है। यहाँ पर एक रिवर आप देख सकते हैं, गलवान रिवर, ये जो रेड स्पॉट है जो जाकर मिलती है श्योक रिवर से, और जो श्योक रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर की। तो ये जो रेड स्पॉट है, यहाँ पर जो एरिया है, ये गलवान वैली वाला जो आपका पार्ट है, पहले चाइना जो है, और ये जो ब्लू डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, इट इज़ दी LAC। तो पहले जो चाइना था वो इसका कुछ पार्ट क्लेम करता था, नाउ चाइना इज़ क्लेमिंग होल गलवान वैली, पूरी गलवान वैली को क्लेम कर रहा है कि ये उसके हिस्से में आती है। और इस LAC के अंदर में और इस LAC के आसपास में और भी मेजर एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट हैं, जैसे कि आपका प्योंगसो लेक है, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, चाइना जो है उसकी फिंगर 3 फिंगर 4 को क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है। और उसके बाद जोशीमठ हरसिल एरिया, हॉट स्प्रिंग वाला ये जो एरिया आप देख सकते हैं, ये भी चाइना क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि ये भी उसकी टेरिटरी के अंदर आता है। तो ये मेजर कन्फ्लिक्ट के एरिया हैं चाइना और इंडिया के बीच में, उस उन दोनों की LAC के पास में। अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें, गलवान वैली की हिस्ट्री अगर देखें, तो गलवान वैली का जो नाम पड़ा है वो एक फेमस एक्सप्लोरर रहे हैं, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब किताब भी लिखी है, गुलाम रसूल गलवान, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। अब देखते हैं कि ये जो रीसेंट मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो क्या है, कि ये कन्फ्लिक्ट उभर कर कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए 2016 के अंदर जो उस टाइम के हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे श्री मनोहर पारिकर, उन्होंने श्री काटकर कमेटी का गठन किया था, और ये कमेटी का गठन किया गया था हमारी डिफेंस फोर्सेस को मोर लीनियर, मॉडर्न और कोहेसिव बनाने के लिए। और इस कमेटी की एक मेन रिकमेंडेशन थी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना बॉर्डर पर, और उसी के अंतर्गत भारत ने जो है अपनी और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उस पर लगभग 75% बॉर्डर पर क्या कर लिया है, रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। और इसी के चलते एक रोड डेवलप की गई थी पिछले साल आपकी गलवान वैली के अंदर, जिसका नाम है दरबोक श्योक DOB रोड, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप की गई थी। अब चाइना क्या कह रहा है कि ये जो रोड बनाई गई है इसमें जो है वो चाइना की टेरिटरी को भी यूटिलाइज़ किया गया है, और इंडिया ने जो है चाइना की टेरिटरी में इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है और उसका उल्लंघन किया है, उसकी सोवरेनिटी का जो है वो उल्लंघन किया है। और कई सारे जो रिसर्च पेपर, जैसे आपका बेंजिंग में रिसर्च पेपर डेवलप हुआ है, उसमें बताया गया है कि गलवान वैली में इंडिया ने जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं। फिर आपके जो ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर है चाइना का, वो भी ये कह रहा है कि इंडिया जो है चाइना के बॉर्डर पर इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो अब जो चाइना है वो है गलवान वैली को एंटायरली क्लेम कर रहा है कि भाई ये पूरी जो वैली है वो उनके हिस्से में ही आती है। अब देखते हैं कि इन ये तो बात हुई कि ये क्या मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट है जो अभी उभर कर आया है, वो उसका कारण देखा। अब देखते हैं कि दोनों नेशन का स्टैंड क्या है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो स्टैंड है वो काफ़ी क्लियर है कि इंडिया वॉन्ट टू डी एक्सलरेट दिस सिचुएशन बाय टेकिंग द वे ऑफ द एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल एंड एग्रीमेंट के थ्रू वार्तालाप किया जाए और इस मैटर को क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो भी वहाँ गए थे और उन्होंने सिचुएशन का जायज़ा लिया था, और इंडिया जो है वो डिप्लोमेसी का चैनल सीख कर रहा है इसको रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन चाइना जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई देता है, और उसका हम पता लगा सकते हैं कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने
एनुअल मीटिंग जो अपनी वो पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ करते हैं, उन्होंने उनको संबोधित करते हुए वहाँ पर कहा कि चाइना शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिनेरियो और इट्स प्रिपरेशन शुड बी लाइक अ वॉर सिचुएशन, स्केल अप बैटल प्रिपेयर्डनेस, बैटल की तरह उनको प्रिपेयर करना चाहिए। और इसी कारणवश जो है चाइना की आर्मी जो है वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली इस मैटर को ले रही है और वहाँ पर जो है वो टैंक्स वगैरह डेवलप कर दिए गए हैं। इंडिया की पेट्रोलिंग यूनिट्स और पेट्रोलिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हिंड्रेंस किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना अचानक से क्यों इतना एग्रेसिव दिखाई दे रहा है और असर्टिव दिखाई दे रहा है, तो उसके कारण देखते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो टार्निस्ट इमेज ऑफ शी जिनपिंग डोमेस्टिकली। चाइना के अंदर शी जिनपिंग की इमेज पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है इस पेंडेमिक क्राइसिस की सिचुएशन को अच्छे से हैंडल ना करने की वजह से। और इससे पहले 2017 नवंबर में चाइना को ग्रेट रिफॉर्म शी जिनपिंग को ग्रेट रिफॉर्मर्स और जो चाइना के महान लीडर रहे हैं जैसे कि आपके माओ, उनसे कंपेयर किया गया और लाइफ टाइम के लिए उनको क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया चाइना का। अब उसके होने के दो साल के लगभग दो साल के अंदर ही इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो जो जनता का जो भरोसा होता है लीडर पर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या हो जाता है, डगमगा जाता है। तो अपनी इमेज को सुधारने के लिए बेसिकली जो है शी जिनपिंग इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि हांगकांग में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लेकर आ चुके हैं जो कि उसकी हांगकांग की जो डेमोक्रेसी है उसको डेल्ट करता है। ताइवान की जो ट्राई कर रहा था ताइवान WHO में ऑब्जर्वर की एंट्री के लिए, ऑब्जर्वर मेंबर की एंट्री के लिए, उसको भी उसने काफ़ी आड़े हाथ लिया है। और साउथ चाइना सी में भी रिसेंटली वियतनाम के साथ उसका कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये सब कर वो असर्टिव और एग्रेसिव एक्शन दिखाकर वो अपनी इमेज जो है डोमेस्टिकली सुधारना चाहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कोई, क्योंकि कभी भी क्राइसिस की सिचुएशन आती है, अगर कोई किसी भी कंट्री में क्राइसिस आता है तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट रहती है प्रेजेंटली उसके लिए एंटी गवर्नमेंट, पब्लिक में एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट प्रोड्यूस होते हैं और उन एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट्स को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ध्यान भटकाने का काम करती रहती है। और ऐसा 62 में जब वॉर हुआ था चाइना, तो कई सारे हिस्टोरियन क्लेम करते हैं कि ये भी माओ ज़ेडंग ने इसलिए किया था कि 59 तक उनके जो रिफॉर्म्स कैरी आउट किए थे उन्होंने वो बहुत बुरी तरह फेल हो गए थे और चाइना की जनता जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखी थी उस वजह से, तो उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ही हैज टुक दैट वे। उसके बाद जो आप शी जिनपिंग वांट्स टू क्लियर इंडिया एंड ताइवान कि दैट चाइना अभी भी जो है एशिया में मैटर करता है और हेजमनी अपनी दिखा रहा है। उसके बाद जो है चाइना की जो है इमेज बहुत ज़्यादा टार्निश हुई है वर्ल्ड लेवल पर भी, और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और US है वो सब चाइना को ब्लेम कर रहे हैं COVID-19 की सिचुएशन को अच्छे से टैकल ना करने के लिए। और चाइना जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां वेस्टर्न कंट्रीज़ और सारे कंट्री बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो अब जब चाइना के लिए नेगेटिव इमेज है तो वो सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो ड्रॉन अप होकर कहाँ आना है, इंडिया के अंदर आना है। और इंडिया जो है वो पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर कॉम्पिटिटर उभर कर आ सकता है चाइना के सामने, तो चाइना के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंडिया को हमेशा किस पर रखे, चेक पर रखे। और फोर्थ रीज़न तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इंडिया चाइना के बॉर्डर पर डेवलप कर रहा है चाइना कहीं ना कहीं उसको भी लेकर चिंतित है। तो ये था हमारा वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।